जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं। आज के सेशन में 30 एमसीक्यू होंगे, लेकिन यहाँ से हम लोग लगभग 100 सवालों को कवर करने वाले हैं आज के सेशन में। अगर आप एक बार इस वीडियो को अंत तक आप जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए यहाँ से आप कई सारे सवाल आप सीख करके जाने वाले हैं आज के सेशन से। पहले सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है कि सही मिलान छांटा। सही मिलान छांटने के लिए दे रखा है, क्या सुलक साय श्याम सुंदर महतो जी के द्वारा लिखा गया है? बोलेंगे नहीं, ये गलत है। सामाजिक सरजुत निशन, ये श्रीनिवास पांडवी जी की रचना है, तो बोलेंगे नहीं, यह भी गलत है। और मुक्ति डहर विश्वनाथ नागर के द्वारा लिखा गया है, तो बोलेंगे नहीं, ये तीनों के तीनों रचनाएं जो वो अलग अलग साहित्यकारों के द्वारा लिखा गया, यानी तीनों में से तीनों सुमेलित सही नहीं है। अब बोलेंगे सही सुमेलित नहीं है तो सही सुमेलित भी बता दीजिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें से कोई भी सही नहीं है। अब हम बताते हैं कि इसमें सही कौन कौन से होने चाहिए। सुलक साय जो रचना है इसे लिखा है विश्वनाथ नागर ने। अब बोलेंगे ये सुलक साय किस प्रकार की रचना है ना, विश्वनाथ नागर। सुलक साय किस प्रकार की रचना है, तो यह एक खंड काव्य है, है ना, यह एक प्रबंध काव्य है या तो फिर खंड काव्य इसे हम कह सकते हैं। सामाजिक सरजुत निशन, यह भी एक खंड काव्य है और इसे ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? ए के झा जी के द्वारा लिखा गया है। मुक्तिक डहर, यह भी एक खंड काव्य है और इस खंड काव्य को लिखा है विश्वनाथ दसौंधी राज ने, है ना, विश्वनाथ माफ करिएगा श्याम सुंदर महतो श्याम ने, है ना, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ नागर नहीं, श्याम सुंदर महतो। तो फिर से बता दिए, सुलक साय विश्वनाथ नागर, सामाजिक सरजुत निशन ए के झा और मुक्तिक डहर श्याम सुंदर महतो। तो इस प्रकार से तीनों के बारे में आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, शहीद शक्तिनाथ महतो के जीवनी लिख ले हर। शहीद शक्तिनाथ महतो जी की जीवनी किसके द्वारा लिखा गया है, किस खोटा साहित्यकार के द्वारा लिखा गया है? तो श्याम सुंदर महतो के द्वारा। इनके जीवन पर आधारित एक खंड काव्य इन्होंने जो वो बनाया है, है ना, उसके बारे में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, श्याम सुंदर महतो के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर दें। खेसमी तो चाची में इनका जन्म होता है, बोकारो स्टील कारखाना में ये काम धाम करते हैं, है ना। खेसमी तोपचाची धनबाद जिले में पड़ता है, ठीक है। 5 सितंबर 1936 ईस्वी को इनका जन्म होता है। और केदारनाथ महतो, इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम गंगा देवी। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है इनके बारे में, आप जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल है कि धनुख बांध तोरा की शोभ तो जे भेले सूत पूत, तोर हाथे कोदार गाय हार फार रे कुल कपूत। अब देखिए यहां से पंक्ति से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को ताना मारा जा रहा है कि धनुख बांध तोरा की शोभ तो, कि अरे भला तुम्हारे हाथ में धनुष और बाण की क्या शोभा है। तो जे भेले सूत पूत, कि तुम तो सूत पुत हो, है ना, तुम क्या हो, सूत पुत्र हो। तोर हाथे कोदार गायत, कि तुम्हारे हाथ में तो कुदाल वगैरह होना चाहिए, खेतों वगैरह में काम करो, मजदूरी करो, ये तुम धनुष बाण से क्या कर रहे हो, धनुष बाण तो तुम्हारे हाथ में शोभा नहीं दे रहा। हार फार रे कुल कपूत, है ना, कि तुम्हारे हाथ में तो हल होना चाहिए, कुदाल होना चाहिए, तुम काम करने वाले, तुम्हारे हाथ में भला ये धनुष बाण कहां से आ गया। ये किसे बोला जा रहा है, तो ये सूत पुत्र कर्ण को बोला गया है, है ना, किसे बोला गया है, कर्ण को बोला गया है। और किस रचना में यह आया हुआ है, तो सुलक साय जो खंड काव्य है, सुलक साय जो खंड काव्य है उसी में इसकी चर्चा की गई है। सुलक साय जो खंड काव्य है इसमें इसकी चर्चा की गई है। अब सवाल फिर यहां से उठता है कि सुलक साय जो खंड काव्य है उसे किसके द्वारा लिखा गया है, तो विश्वनाथ नागर ने कर्ण के जीवन पर आधारित ही खंड काव्य लिखा है जिसका नाम है सुलक साय, है ना, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। मुक्तिक डहर हम पहले बता दिए कि मुक्तिक डहर जो रचना है वो श्याम सुंदर महतो श्याम जी की रचना है। कलाम ए व्याकुल किसकी रचना है,
कलाम ए व्याकुल योगो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी की चर्चित रचना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि रांगा लाठी किस प्रकार की रचना है और किसके द्वारा लिखा गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, गांधी जी से प्रेरित भय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेला, व्याकुल जी कौन बच्छर जेल गेल हलत। कहते कि व्याकुल जी गांधी जी से प्रभावित होकर के वो स्वतंत्रता आंदोलन में तो कूद पड़ते हैं, लेकिन इसके वजह से उनको जेल भी जाना पड़ता है। किस वर्ष वो जेल गए थे, तो 1930 ईस्वी में वो जेल जाते हैं, है ना, 1930 ईस्वी में वो जेल जाते हैं व्याकुल जी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, सैच सैच राख जे धन सुगुम घुराए दे एखन, सैच सैच राखल है जे धन सुगुम घुराए दे एखन, मिल बहरे तो गरीब जखन, है ना। कहते हैं कि यहां पे एक बड़ा ही सुंदर पंक्ति है, और यह पंक्ति जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो पांडुरी जी की यह पंक्ति है। पांडुरी जी कहते हैं कि सैच सैच राखल जे धन, कि सच सच करके, मतलब जो बचा बचा करके, गरीबों का लूट करके, शोषण अत्याचार करके, जो धन जुटा करके, उसको छुपा करके रखा हुआ है, सुगुम घुराए दे एखन, मतलब चुपचाप सबको वापस कर दो, और नहीं तो सुगुम घुराए दे एखन, मिल बह रहे तो गरीब जखन, कि अगर सभी गरीब एक साथ मिल करके अगर बाहर हो गए तो फिर समझ लेना क्या होगा तुम्हारा। और यह पंक्ति जो हो श्रीनिवास पानुरी जी की पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, यहां पे लेखक और जन्म स्थान को लेकर के सवाल पूछा गया है, कि लेखक और जन्म ठाव के गलत मेल के छाटा, कि लेखक और उनके जन्म स्थान से संबंधित कौन सा कथन गलत दे रखा है। तो क्या पांडुरी जी का जन्म बरवाड्डा में हुआ है, धनबाद में, तो बोलेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है। एके झा जी का जन्म चंडीपुर बोकारो में हुआ है, बोलेंगे हाँ यह भी सही है, है ना। झा जी का जन्म चंडीपुर बोकारो में होता है 20 जून 1939 ईस्वी को, तो बोलेंगे ये तो सही है। विश्वनाथ दसौंधी राज का भेंड्रा में जन्म हुआ है, बोलेंगे नहीं ये तो गलत है। विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म भटमुरना, एक जगह है गांव का नाम भटमुरना कतरास में दसौंधी जी का जन्म हुआ है, जो कि धनबाद जिले में पड़ता है। कब उनका जन्म हुआ है, 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को, भेंड्रा नहीं, कहां पे जन्म हुआ है, भटमुरना कतरास में, यह आपको याद रखनी है। संतोष कुमार मातो, इनका जन्म गांगजोरी बोकारो में होता है, संतोष कुमार मातो जी का जन्म। कब जन्म होता है, 2 सितंबर 1930 ईस्वी को इनका जन्म होता है, और 24 नवंबर 2013 ईस्वी को संतोष कुमार महतो जी का निधन भी हो गया। तो इस प्रकार से चीजें आपको याद रखनी है। झा जी का निधन कब हुआ, एक एक करके डेट आपको जरूर याद रखनी चाहिए, कम से कम ईस्वी तो जरूर याद रखिएगा। 86 में इनका निधन हो गया। झा जी का निधन कब हुआ, एके झा जी का निधन 2013 में हुआ, है ना, 2013 में। विश्वनाथ दसौंधी जी का निधन कब हुआ, है ना, विश्वनाथ दसौंधी जी का निधन कब हुआ, 2009 ईस्वी में। डेट के साथ में भी हम बता सकते हैं 16 अक्टूबर 2009, लेकिन अगर आपको कम से कम डेट ना याद हो तो कम से कम वर्ष जरूर याद रखेगा। हालांकि अब सवाल जो वो फंसाने वाला देता है, साल चारों ऑप्शन में समान कर देगा, 2009 ही कर देगा, और महीना आपको बताना होगा कि एग्जैक्ट महीना कौन सा था और कौन सा तारीख था, यह भी आपको बताना पड़ जाएगा वहां पे। और संतोष कुमार महतो जी के बारे में अगर बात करें, तो संतोष कुमार महतो जी का निधन 24 नवंबर 2013 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। तो ये कुछ चीजें आपको बेसिक जानकारी है जो कि आपके पास में होनी चाहिए, है ना। 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को पांडुरी जी का निधन हुआ, ठीक है। एके झा जी के जन्म के निधन के बारे में बात करें तो 29 सितंबर 2013 ईस्वी को एके झा जी का निधन हो जाता है। और दसौंधी जी के निधन के बारे में बात करें तो 16 अक्टूबर 2009 ईस्वी को, और संतोष कुमार महतो जी के निधन की बात करें तो इनका निधन 24 नवंबर 2013 ईस्वी को हुआ है। क्लियर हो गया, तो महीना भी आप याद रख सकते हैं, है ना, सबके आप महीने भी जरूर याद रख लीजिएगा, यहां से भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल कुछ उसी प्रकार से दे रखा है, यहाँ पे जन्म स्थान से संबंधित है। खोटा लेखक और जन्म ठाव के गलत मेल छाटा। तो अच्छा यहाँ पे क्या गलत मेल आपको बता दिए? तो हाँ यहाँ पे बता दिए, इसका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, क्योंकि कई लोग कमेंट कर देते हैं कि इसका आंसर तो आपने बताया ही नहीं। हम भले डिटेल में उसकी चर्चा कर दे, लेकिन कई बार लोग कमेंट कर देते हैं कि नहीं आपने इसका आंसर जो वो छोड़ दिया, बताया ही नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पारसनाथ महतो जी का जन्म और मांझी रांची में हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। पारसनाथ महतो जी का जन्म पारस और मांझी रांची में इनका जो वो जन्म हुआ है। क्लियर हो गया। अगले जो साहित्यकार है उनका नाम है दीपक सबाल। दीपक सबाल जी का निधन जन्म कब होता है? दीपक सबाल का माफ करेंगे निधन बोला गया, दीपक सबाल जी का जन्म जो वो खैरा चातर बोकारो में इनका जो वो जन्म हुआ है। दीपक सबाल दरअसल इनका पूरा नाम दीपक जायसवाल है, है ना, दीपक जायसवाल इनका पूरा नाम है, लेकिन सवाल यहाँ पे क्या है कि इनका उपनाम के रूप में हम लोग मान सकते हैं, है ना। इनके पिताजी का नाम सुरेश कुमार जायसवाल और माता का नाम गीता देवी है। ये भी कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में जो अगला है वो है सुकुमार जी का जन्म भेंडरा बोकारो में हुआ है। बोलेंगे हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन तो आपको सही दिख रहा है, तो बचा ऑप्शन आखिरी यही गलत होगा। बोलेंगे हाँ भाई यही गलत होना चाहिए। कैसे गलत हो रहा है? देखिए अरविंद कुमार का जन्म कहाँ पे? लारी रामगढ़ में हुआ है। बोलेंगे नहीं ये गलत है। अरविंद कुमार जी का जन्म कब हुआ है, कहाँ पे हुआ है पहले ये हम बता दें, तो लारी रामगढ़ में नहीं, इनका जन्म तिरला बोकारो जिले में हुआ है, है ना, तिरला बोकारो जिले में इनका जो वो जन्म हुआ है 8 मार्च 1983 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है अरविंद कुमार का। अच्छा इनके पिता का नाम मुंशी साहब और माता का नाम निराशो देवी। ये कुछ बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। रचनाओं में बात करें तो धूरा धूरा माटी धूंगा, है ना, कुछ बेसिक आपको रचनाओं के बारे में भी कुछ कुछ याद होने चाहिए। 2008 में इनको जो वो खोटा रत्न से भी सम्मानित किया गया है, ये कुछ चीजें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है लुझरी उदासी ढेलुआ गीत कौन रक में गीत लागे। लुझरी उदासी ढेलुआ गीत कौन रक में गीत लागे, तो बता दें कि ये सभी जो वो किस प्रकार का गीत है, ये सभी ऋतु गीत है, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि खोटा लोक साहित्य किताबें संजुवैती के लागत। संजुवैती मतलब क्या हो गया? देखिए प्रधान संपादक होते हैं, या लिखवैया तो नहीं कह सकते, प्रधान संपादक बोल सकते हैं, है ना, प्रधान संपादक जो है, या कह सकते हैं कि मुख्य रूप में यहीं से सवाल पूछा जाता है, खोटा लोक साहित्य किताब के प्रधान संपादक। ऐसे संपादक मंडल में तो कई सारे साहित्यकार थे, लेकिन प्रधान संपादक जो होते हैं वो डॉक्टर ए के झा होते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है छोटे मोटे चेटर गांव मांझे ठीने अखारा गो तही तरह सभे देवा खेले जुआ साए, ये कौन रकमे के गीत हके, यह किस प्रकार का गीत है? तो यह गीत की अगर बात करती है, अखरा बांधने का गीत है, है ना। जब कर्म पर्व मनाया जाता है तो उस समय कर्मैतिन सभी जो वो अखरा में आकर के नाचती गाती हैं, और जब नाचती गाती हैं तो उस समय पहले अखरा बांधने का एक विधान है, और उस समय अखरा बांधती है तो उस समय एक गीत भी गाया जाता है अखरा बांधने का, है ना। अब देखिए ये गांव के जगह पे अलग अलग गांव का नाम हो सकता है, इसके जगह पे आपका अपना गांव का नाम होगा। जब हमारे गांव के लोग युवतियां अगर गाएंगी या कर्मैतीन गाएंगी तो वो अपने गांव के नाम लेंगे, है ना, वो अपने गांव के नाम लेंगे। सभी में अलग अलग अपने 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 गांव के नाम यहाँ पे ले सकते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है जागा ही ना जागा ही गैया आजू केरी रतिया गो तोरे जागल है जागा तो गोटे संसार। जागा ही ना जागा ही मीरा आजू केरी रतिया हो तोरे जागल है जागा तो गोटे संसार, ये कौन रकमे के गीत हके। तो गीत के भाव से आपको पता चल गया होगा कि यह कहीं ना कहीं पशु आराधना के गीत के यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यह मुख्य रूप में अगर बात करें तो सोहराय गीत में ऐसे गीत हमें जो वो देखने को मिलते हैं,
तो अगर देखा जाए तो यह किस प्रकार का गीत हो गया, सोहराय गीत हो गया, है ना। सोहराय पर्व कैसा पर्व है, तो यह दरअसल पशु आराधना का पर्व माना जाता है जिसमें से इनकी पूजा की जाती है। कब मनाया जाता है सोहराय पर्व, तो कार्तिक महीने की अमावस्या को यह पर्व जो वो बड़े ही धूमधाम और आनंदित होकर के सभी लोग मनाते हैं झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, जोवा रे गहुमा के रे उबटन, जोवा रे गहुमा के राई सरिसा के री तेल, सेहो भूंजे बैसल उबटन दुल रहता, ये बिहा कौन ने के गीत लागे। यह जो गीत है वो विवाह गीत तो है, ये हमें भी पता है, क्योंकि यहां पे गीत से आपको पता चल गया है। लेकिन अब विवाह में भी कई सारे विधान हैं, आपको भी पता होगा कि विवाह में बहुत सारे नेग होते हैं। अब यहां पे सवाल उठता है कि यह किस नेग और विधान का यह जो वो गीत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे में चीजें आपको समझने के लिए। तो यहां पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पे इसका आंसर हो जाएगा उबटन भूंजने का ये गीत है, है ना। यह कैसा गीत है, उबटन भूंजने का गीत है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सोना के खड़ा में पिंदी बजका हथ छोटका दादा, चले गो मैया हमर घरा गो, आगे मोर धनिया दर्द से व्याकुल गो। अब देखिए, जब पत्नी दर्द से व्याकुल है, गर्भवती है, वो अपने बच्चे को जन्म देने वाली है, और नवे महीने में जब पत्नी पहुंचती है तो वो दर्द से व्याकुल हो रही होती है घर में, तब उनके पति जो वो कहां पे जाते हैं, जो डगरिन होती है ना, डगरिन के पास में वो जाते हैं और कहते हैं कि सोना के खाड़ा में पिंधी बजका हत छोटका दादा, चले गो मैया हमर घरा गो, आगे मोर धनिया दर्द से व्याकुल गो। कि हमारे घर में हमारी पत्नी जो वो दर्द से व्याकुल है, चले हमारे घर में जल्दी से जल्दी चले। और यह किस प्रकार का गीत है, यह एक झांझन गीत है, है ना। यह किस प्रकार का गीत है, तो यह झांझन गीत है। झांझन गीत कब गाया जाता है, तो जब बच्चे के जन्म के अवसर पर झांझन गीत गाया जाता है। डोहा गीत की अगर बात करें तो कब गाया जाता है, डोहा गीत शीतकालीन अवसर पे, ठंडे महीने में डोहा गीत गाए जाते हैं। चाचर गीत, यह सोहराय पर्व के समय पे, यह भी जो वो ठंडे मौसम में ही यह गीत गाया जाता है। डमकच गीत, यह विवाह के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है, जब दूल्हे के यहाँ पे सभी लोग बारात चले जाते हैं तो घर में महिलाएं केवल बच जाती हैं, तो ऐसे में महिलाओं के द्वारा इसमें से नाच गान किया जाता है, और इसमें से थोड़ा सा खुला हाव भाव होता है, है ना, क्योंकि उस समय केवल महिलाएं होती है, यहाँ पे पुरुष लोगों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो ये सारे गीतों के बारे में आपको ध्यान रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन लोक कथा संकलन एके झाजी नाय करल हत, इनमें से किस लोक कथा का संकलन जो वो एके झाजी के द्वारा नहीं किया गया है। तो ध्यान से अगर चीजों को पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे तो पहला ऑप्शन है गुहायल परब, दो बिहाग दुर्गति केतकी फूल, और लुरगर बेटी छुआ। तो गुहायल परब, दो बिहाग दुर्गति और लुरगर बेटी छुआ, ये तीनों लोक कथा का संकलनकर्ता जो है वो डॉक्टर एके झाजी हैं। लेकिन अगर बात करें केतकी फूल की, तो केतकी फूल जो लिखा है वो इसके संकलनकर्ता जो है वो सावित्री देवी हैं। दरअसल पूरा नाम इस लोक कथा का है छागर गोरखिया और केतकी फूल, है ना, छागर गोरखिया और केतकी फूल, है ना, इस प्रकार से इसका पूरा नाम है। सावित्री देवी के द्वारा इस लोक कथा का संकलन किया गया है। सावित्री देवी जी का जन्म 13 मई 1952 ईस्वी को परसबनिया बलियापुर धनबाद में होता है। पिता का नाम शशिभूषण महतो और माता का नाम खेदनी देवी। ये कुछ बेसिक जानकारी आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा सावित्री देवी जी के बारे में अगर बात करें तो ये कौन है, तो ये कोई और नहीं चितरंजन महतो चित्रा जी की पत्नी है, है ना। सावित्री देवी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सावित्री देवी कोई और नहीं, ये चितरंजन महतो चित्रा जी की पत्नी है, ये आपको याद रखना है। और ये लारी पंचायत से मुखिया भी अपने समय पर रहे। 25 नवंबर 2022 ईस्वी को 70 वर्ष की आयु में इनका जो वो निधन हो गया। कब निधन हुआ, 25
25 नवंबर 2022 को। ये डेट भी आपको हो सकता है कि मैं भी अगर सवाल में पूछ लिया जाए तो थोड़ा सा कठिन सवाल होगा। ये ऐसे सवाल जो पूछे जाते हैं वो थोड़े कठिन सवाल होते हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एकर में कौन कहानी विनोद कुमार जी की लिखल नहीं ला गए, यानी इनमें से कौन सी कहानी विनोद कुमार के द्वारा नहीं लिखी गई है। जिंदगी डवानी, ओद दीदा और हूब, ये तीनों कहानी तो आपने सोंध माटी पुस्तक में पढ़ा होगा, क्योंकि विनोद कुमार जी के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है उस पुस्तक का नाम है सोंध माटी। और सोंध माटी इसमें से ऐसे तो पहले 10 कहानी और 31 कविताएं थी, अब इसका एक और नाम से प्रकाशित हुआ है पुस्तक जिसका नाम है धौवैयक धमक। धौवैयक धमक, यह भी सवाल हो सकता है कि पूछ लिया जाए कि धौवैयक धमक किताब केकर लिखल लागे, तो ये विनोद कुमार के द्वारा ही लिखा गया है। इसमें से कहानियों की संख्या बढ़ाई गई है, कविताओं की संख्या बढ़ाई गई है और इसमें से 2 निबंध को भी ऐड कर लिया गया है। तो हो सकता है कि सवाल अगर भविष्य में कभी ऐसा पूछा जाए तो उन चीजों को आपको याद रखनी है। तो याद रखिएगा, हम जीव कैसे, यहां पे जो ऑप्शन बी जो दे रखा है, यह कहानी सोंध माटी में नहीं, यह कहानी जो वो छायहर पुस्तक में छपी हुई है। छायहर कहानी या संग्रह या कह सकते हैं कि छायहर पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसे लिखा है चित्रंजन महतो चित्रा ने। चित्रंजन महतो चित्रा के द्वारा इस कहानी संग्रह को लिखा गया है या इस पुस्तक को लिखा गया है, जिसमें से छायहर भी एक कहानी उसमें शामिल है, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि एकर में कौन शिष्ट कहानी छायहर किताबें नाय छपल है। तो देखिए, छायहर है, नावा जिमीदार है और हम जीव कैसे, ये तीनों कहानियां तो छपी हुई है, जबकि माय के लोर की अगर बात करें तो यह सोंध माटी पुस्तक में छपा हुआ है। माय के लोर, इसे जो को लिखा है विनोद कुमार ने। क्लियर हो गया, विनोद कुमार के द्वारा इसे लिखा गया है और विनोद कुमार जी के द्वारा जो लिखा गया है यह कौन से पुस्तक में, तो यह सोंध माटी पुस्तक में लिखी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि रामगढ़े के दाल चार, बुची डाणी पानी, अलग अलग भात रांधे खेमझर के रानी, ये कौन रकम में गीत लगे। तो अक्सर आपने बंदर नचाने के समय में ये गीतों का प्रयोग किया जाता है और ये गीत गाए जाते थे, जब बंदर नचाने वाला जब आया करता था गांव में और हम लोग बैठ करके चारों तरफ इकट्ठा होकर के बैठ करके देखते थे बड़े ही मन से, और अंत में जब पूरा खेला दिखा दिया जाता था उसके बाद में हम लोग कटोरी में या थाली में जा करके चावल लाते थे, कुछ पैसे भी देते थे, या तो चावल देते थे, बंदर को कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे, है ना, और साथ ही साथ में जो बंदर नचाने वाला होता था उसको भी कुछ पैसे वगैरह दे दिए करते थे, कुछ खाने के लिए दे दिया करते थे, और बदले में कई बार ये सब जो आते थे वो कुछ लास्ट में बोलते थे कि कुछ कुछ चीजें हम लोग देंगे, कुछ यंत्र वगैरह देंगे, ये भी आप ले लीजिए, तो 10-20 रुपया देकर के वो भी लोग खरीद लेते थे। तो ये सब बंदर नचाने के समय में ये गीतों का प्रयोग किया जाता है। खीर घाटो एकरा दलिए ओकरा दलिए दली दलिए कानी मुनी रेवा रेपो सबके दलिए ठेपो के दलिए ठेपो देखाए ये ठेपो धराए घोड़वा चल ले जाए दूध भात खायल जाए छल गुदु यह जो वो एक बाल गीत है और बच्चों को खिलाते समय, है ना, या बच्चों को खेलते समय जब बच्चा रो रहा होता है तो उसको खिलाने के लिए या चुप कराने के लिए ऐसे गीतों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें से आपको पता होगा कि कुछ लोग एक्सपर्ट होती हैं, जैसे कि माँ हो गई, दादी हो गई, ये लोग बच्चों को चुप कराती हैं। तो इस प्रकार से बाल गीत में ये सारे गीतों का प्रयोग किया जाता है। श्रम गीत क्या होता है, तो जब काम धाम करते हैं तो उस समय श्रम गीत गाए जाते हैं। संस्कार गीत में कई सारे गीत आते हैं जिसमें से छठियारी सहियारी और विवाह गीत, ये सभी संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। ऋतु गीत अलग अलग मौसम में गाए जाने वाले लोकगीत को जो वो ऋतु गीत के अंतर्गत रखते हैं, जैसे कि गर्मी के महीने में कई सारे गीत लोकगीत गाए जाते हैं, कौन कौन से, निर्णिया, रसधारी, मोटा ताल, मेही ताल, है ना, ये सभी क्या है, लोकगीत जो गाए जाते हैं वो गर्मी के मौसम पे। ठंडा के मौसम पे उसी तरह से घेरा गीत, है ना, डोहा, चाचर, हराबदिया, ये सब गीत जो वो ठंडे के मौसम में गाए जाते हैं।
उसी तरह से भदरिया गीत, ये बरसात के मौसम में झिंगफुलिया, भदरिया, गुलवारी, खसपैलिया, ऐसे कई सारे मोदियाली, घसियाली, ऐसे गीत जो होते हैं, भटियाली, ये सब गीत जो वो कब गाए जाते हैं, वर्षा के मौसम में गाए जाते हैं। तो अलग अलग ऋतु में अलग अलग गीतों का भी प्रचलन है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, देश के जुवान केकर लिखल कविता लागे। तो देश के जवानों को समर्पित यह कविता विनोद कुमार जी के द्वारा लिखी गई है, और विनोद कुमार इसके कवि हैं इस कविता के, और यह कविता एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में छपी हुई है, जो आपको पढ़ने के लिए दे रखा है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे कौन किताबें छपल है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यह जो गीत है ये सुहान लागे रे पुस्तक में छपी हुई, यह दरअसल एक शिष्ट गीत है, है ना, यह एक शिष्ट गीत है। अब बोलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले आप लोक गीत बोल रहे थे, अभी आप शिष्ट गीत बोल रहे हैं, तो ये दोनों में अंतर क्या है? बोलेंगे पहला अंतर तो शिष्ट गीत और लोक गीत में यही होता है कि लोक गीत के रचनाकार का हमें पता नहीं होता है, लोक गीत के रचनाकार का पता हमें नहीं होता है, जबकि शिष्ट गीत के रचनाकार का पता होता है। जैसे कि एक लोक गीत है, शिष्ट गीत है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, तो इसके क्या है, लेखक के बारे में हमें पता है, कवि के बारे में पता है, या इसके रचने वाले रचवैया के बारे में पता है, कौन है, सुकुमार हैं। तो हमको क्या है कि लेखक के बारे में या रचना करने वाले के बारे में पता है। लेकिन अगर कोई सवाल कर दे कि लोक गीत में, कि कोई बोल दे कि करम गीत को कौन गाया है, या करम गीत को कौन लिखा है, कोई बता सकता है क्या? नहीं बता सकता है, किसी को पता ही नहीं है। अब देखिए, सुहान लागे रे पुस्तक कब लिखा गया है, तो इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में भी हमें जानकारी है, है ना, कि 2006 में है, 2019 में है, तो ये प्रकाशन वर्ष है इसका अलग अलग समय पर। एक पथिया डोंगल महुआ है, तो इसकी भी प्रकाशन वर्ष के बारे में हमें पता है। लेकिन अगर बात करें कि कोई लोक गीत के बारे में, कि क्या इसके प्रकाशन वर्ष के बारे में आपको जानकारी है, बोलेंगे नहीं, ये कोई नहीं बता सकता कि करम गीत कब लिखा गया, सोहराय गीत कब लिखा गया, छठियारी गीत कब लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया। यानी लोक गीत के ना ही रचनाकार का पता होता है हमें, और ना ही रचनाकाल का पता होता है, जबकि शिष्ट गीत के रचनाकार और रचनाकाल दोनों का पता हमें होता है। यानी ये दोनों चीजें ज्ञात होते हैं, है ना, रचनाकार और रचनाकाल, ये दोनों ज्ञात होता है, जबकि लोक गीत में ऐसा बिल्कुल नहीं है दोनों के दोनों में। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा एक पथिया डोंगल महुआ, इसके संकलनकर्ता कौन है, तो संतोष कुमार महतो है, है ना, संतोष कुमार महतो है। सुहान लागे रे आपको पता चल गया, इसके संपादक कौन है, अगर पुस्तक के संपादक की बात करें तो वो है दिनेश दिनमणि। लेकिन अगर बोले कि सुहान लागे रे गीत किसने लिखा है, तो गीत को लिखा है शांति भारत ने। दोनों चीजें आपको याद रखनी है। खोठा लोक साहित्य, अब देखिए यहाँ पे दो पुस्तक है, अगर खोठा लोक साहित्य के लेखक के बारे में बात करें तो वो लिखेंगे शिवनाथ परमाणिक। लेकिन अगर बोले कि खोठा लोक साहित्य पुस्तक के प्रधान संपादक कौन है, तो वो हम बोलेंगे एके झा, क्योंकि खोठा लोक साहित्य के नाम से दो किताब है, एक पर्सनल किताब है जो शिवनाथ परमाणिक जी की रचना है, जो पुस्तक है, और एक संज्ञा संपादन कविता है, रचना है, जिसमें से लोक कथा, लोकगीत आदि का संकलन किया गया है, और वह जनजातीय शोध संस्थान, ये रांची से कल्याण विभाग का वो पुस्तक है, है ना, वो सरकारी पुस्तक है, और इसके प्रधान संपादक जो वो एके झा है। हालांकि संपादक मंडल में शिवनाथ प्रमाणिक जी भी शामिल हैं। सोंध माटी, ये कहानी कविता संग्रह है जिसको लिखा है विनोद कुमार ने। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। एकर में कौन ऋतु गीत ठंडा मौसम में नाय गावल जाए। तो हम पहले बोले कि रसधारी जो वो गर्मी के मौसम पे गाया जाता है, है ना, गर्मी के अवसर पर गाया जाता है। रसधारी, निर्णिया, मोटा ताल, मेही ताल, ये सभी जो लोक गीत हैं वो सभी गर्मी के अवसर पर गाए जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और गीत आता है इसमें से, डहरुआ, है ना, एक और लोकगीत इसमें शामिल होता है, डहरुआ, निर्णिया, निर्णिया, मोटा ताल, उसके बाद में एक आता है आपका मेही ताल।
तो ये सभी लोकगीत के बारे में आपको ध्यान रखने, और एक है रसधारी, ये पांच लोकगीत जो है वो गर्मी के मौसम में गाया जाता है, ना कि ठंडा के मौसम में। ठंडा के मौसम में कौन कौन से है, चाचर गीत है, घेरा गीत है, डोहा गीत है, ये सब गाया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जन्म बछर बतावा। जन्म वर्ष पूछा गया है तो 17 मार्च 1984 को इनका निधन हुआ है, है ना। इनका निधन 17 सितंबर है ना, मार्च यहां पे नहीं सितंबर है। चलिए 17 मार्च 1908 ईस्वी को भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म होता है। कहां पे जन्म होता है तो गिरिडीह के महथाडीह एक जगह है, वहीं पे इनका जन्म होता है। क्लियर हो गया। और इनका निधन जो होता है वो 17 सितंबर 1984 को होता है, डेट दोनों में सेम है ना। 17 मार्च को जन्म होता है और 17 सितंबर को निधन हो जाता है। 1908 में जन्म होता है और 1984 में निधन हो जाता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का पालन पोषण आगे का जो वो कहां पे होता है, विष्णुगढ़ हजारीबाग में होता है। अगला सवाल है कौन खोटा साहित्यकार एक जन्म बोकारो जिला नाय भेल है। बोकारो जिले में किस खोटा साहित्यकार का जन्म नहीं हुआ है तो शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म आपको पता होगा। कहां पे हुआ है शिवनाथ प्रमाणिक जी का जन्म, तो ये आप सभी को अच्छे से पता है, है ना, कि इनका जन्म जो वो बोकारो जिले में हुआ है ना, बोकारो जिले में इनका जो वो जन्म हुआ है। और इसके अलावे एग्जैक्ट हो सकता है कि जगह, कई बार ऐसा है कि जगह नहीं पूछा जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जगह भी दे दिया जाता है ना, जगह भी कई बार पूछे जाते हैं, कई बार जगह जो वो नहीं पूछा जाता है। लेकिन याद रखिएगा इनका जन्म कहां पे हुआ है, बैदमारा बोकारो में। सुकुमार जी का जन्म भेंटरा बोकारो में हुआ है। प्रदीप कुमार दीपक का जन्म कहां पे हुआ है तो प्रदीप कुमार दीपक का भी जन्म भेंटरा बोकारो में हुआ है। तो यहां पे पता चल गया आपको। इसके अलावे बंसीलाल बंसी और शांति भारत, इनका भी जन्म चौफांत बोकारो में हुआ है। और किनका जन्म बोकारो में हुआ है, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी का मारापारी बोकारो, प्रदीप कुमार दीपक का भेंडरा बोकारो, परितोष कुमार प्रजापति का जन्म गांगजोरी बोकारो। और किनका जन्म बोकारो में हुआ है, रामशरण विश्वकर्मा का हुआ है। इसके अलावे अनंत कुमार झा का हुआ है, सुकुमार जी का हुआ है, सिराजुद्दीन अंसारी सिराज का जन्म माराफारी बोकारो में हुआ है, अकलू राम महतो का जन्म हुआ है, कृष्णचंद्र दास आला का जो कि करहरिया बोकारो में उनका जन्म हुआ है, है ना। एके झा जी का हम बता दिए, चंडीपुर बोकारो में जन्म हुआ है। तो इस प्रकार से बोकारो में कई सारे जाने माने और प्रसिद्ध खोटा विद्वानों का जन्म जो वो बोकारो जिले में हुआ है ना। तो ये सारी चीजें आपको कम से कम जरूर याद होने चाहिए। जबकि पारसनाथ महतो जी के बारे में हम चर्चा किए थे, पारसनाथ महतो जी का, कि इनका जन्म कहां पे हुआ है, तो पारसनाथ महतो जी का जन्म रांची में हुआ है। कहां पे हुआ है, रांची में, है ना। रांची में भी कहां पे हुआ है तो एग्जैक्ट जगह का भी हम पहले आपको बता दिए कि रांची में इनका जो जन्म हुआ है। हो सकता है कि सवाल यहां से भी पूछा जाए, और पूछा ही जाता है, कई बार सवाल यहां से पूछा गया और आगे भी पूछा भी जाएगा, तो ऐसा नहीं कि नहीं सवाल में पूछा जा सकता है। तो पारसनाथ महतो जी का जन्म रांची में हुआ है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है सुहान लागेरे किताबिक संपादक लागत। सुहान लागेरे पुस्तक के संपादक कौन है तो दिनेश दिनमणि है। और इसके लेखक अगर पूछते या कवि पूछते कि सुहान लागेरे गीतेक रचवैया के लागत, तो गीतेक रचवैया शांति भारत होते, है ना। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल है सुहान लागेरे गीतेक गीतकार लागत। अब देखिए अगला सवाल उसी तरह से पूछ भी दिया है तो इसका आंसर हो जाएगा शांति भारत। सुहान लागेरे किताबें पहल प्रकाशन बच्छर बतावा, तो पहला प्रकाशन 2006 में हुआ है, दूसरा प्रकाशन 2019 में हुआ है। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें जोहरवैया के लागत, तो संतोष कुमार महतो जो वो एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि एक पथिया डोंगल महुआ किताबें भूमिका लिखल हत, इसकी भूमिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसकी भूमिका जो लिखा गया है वो दयानंद बटोही के द्वारा लिखा गया है। 1990 में पहला प्रकाशन होता है, 2005 में इसका दूसरा प्रकाशन होता है,
कुल इसमें से 47 कविताएं हैं, 47 कविताओं का संग्रह किया गया है, अलग अलग साहित्यकारों की कविताओं को इसमें शामिल किया गया है। और साथ ही साथ में आपको और भी एक चीज याद रखना है, एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि सबसे अधिक जो कविताएं हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 6 कविता जो वो विश्वनाथ दसौंधी जी की कविता है और 5 कविता संतोष कुमार महतो जी की 5 कविता इसमें शामिल है इस पुस्तक में 47 कविता में। तो ये सारी चीजें आपको कुछ बेसिक जानकारी ध्यान होनी चाहिए। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है, एकर में कौन संस्कार गीत नायक है, इसमें से कौन सा जो वो एक संस्कार गीत नहीं है, तो छठियारी है, सहियारी है और बिहा गीत है, ये तीनों तो संस्कार गीत के अंतर्गत आते हैं। जबकि कर्म गीत की अगर बात करें तो यह पर्व त्योहार गीत है, है ना, पर्व त्योहार गीत है। कर्म गीत कब गाए जाते हैं, कर्म पर्व के अवसर पर कर्म गीत को गाए जाते हैं। छठियारी गीत कब गाया जाता है, जब बच्चे के जन्म के अवसर पर, जन्म के छठे दिन, जो वो नारता इसे भी कहा जाता है या छठी कहा जाता है, तो उसी के दिन छठियारी गीत गाया जाता है। सहियारी गीत कब गाया जाता है, जब लोग संस्कार से जुड़ करके एक दोस्ती लगाते हैं, मित्रता एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, मित्रता लगाते हैं, तो उस समय सहियारी गीत गाया जाता है। विवाह के समय में गाए जाने वाले लोकगीत को बिहा गीत कहा जाता है। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, भुवनेश्वर दशरमा व्याकुल जी के बहू के नाम बतावा, है ना, भुवनेश्वर दशरमा व्याकुल जी के बहू का नाम क्या था, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज से आपके रेगुलर क्लासेस होंगे, है ना, रेगुलर क्लासेस होंगे, थोड़ा सा टाइमिंग में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कल से आपका 9 बजे क्लास आ जाए, है ना, कल से हम प्रयास करेंगे कि 9 बजे आपका क्लास डेली लग जाए, है ना, कम से कम 9 बजे जरूर आपके क्लासेस आ जाएं। हम कोशिश करेंगे अगर कहीं सब कुछ सही रहा तो हम लाइव क्लासेस भी आपके साथ में हम जल्दी जुड़ने का प्रयास करेंगे और लाइव क्लास भी लेकर के हम आपके साथ में आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी के किसी तरह से और भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, 9708305319। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लासेस कोई ज्वाइन करना हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्लासेस वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी के सारे क्लासेस लगभग हमारे एप्लीकेशन खोटा किंग ऑफिशियल, आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे खोटा किंग ऑफिशियल, वहां से आप उन क्लासेस को परचेज करके आप आसानी से सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।